हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स टेक लाइफ। दोस्तों, आज के इस टेक न्यूज़ में मैं बात करूंगा एप्पल के न्यू आईफोन के बारे में। और दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं एप्पल का नया फ़ोन कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा और सबसे बड़ी बात है किस प्राइसिंग पे लॉन्च होगा, तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक चीज़ कंप्लीटली सेट होती है कि इस बार जो प्राइसिंग होगी मे भी हो सकता है कि इससे पहले वाले से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर एप्पल एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो इस बार जो नया अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपना एक स्मॉल स्क्रीन साइज़ के ऊपर कर रहा है और जो उसका साइज़ है वो 5.42 इंचेस के आसपास है। दोस्तों, यहां पर जो है एप्पल फिलहाल क्या बोलते हैं उन कस्टमर को फोकस कर रहा है जो अपना एक हैंडी फोन यूज़ करना चाहते थे, जैसे कि मैं बात करूँ आईफोन 5 या आईफोन SE, उनका जो स्क्रीन साइज था वो 4.8 इंचेस के आसपास था। तो यहाँ पर एप्पल दोबारा से एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन इस बार जो स्क्रीन साइज होगा वो प्रीवियस वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 5.42 इंचेस का हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है इस फोन का नाम जो दिया जा रहा है वो मे बी हो सकता है आईफोन XE हो। और साथ में क्या बोलते हैं जो इसके स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर एप्पल ने स्पेसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी हो सकता है कि जो प्रोसेसर वो A12 बायोनिक चिप हो। जिस लोगों को A12 बायोनिक चिप नहीं पता उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में दे देता हूं कि ये जो A12 बायोनिक चिप है ये इक्विवेलेंट है 7 नैनोमीटर स्नैपड्रैगन 885 से या फिर 8 नैनोमीटर एक्सिगन 9820 SoC से। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे कैमरा सेक्शन को लेकर, तो यहाँ पर फ्रंट फेसिंग में एक वाटर नॉच डिस्प्ले है। फिलहाल अभी इसके कैमरे के स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता है कि वो कितने मेगापिक्सल का, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म है कि फ्रंट फेसिंग कैमरा है और वो फेस आईडी के लिए है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि फेस आईडी भी ऑप्शन इसके अंदर होगा। साथ में अगर बात करें इसके रेयर कैमरा को लेकर, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर मिलेगा 12 मेगापिक्सल का कैमरा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो ये बेजललेस है, यानी कि जो इसका स्क्रीन होगा वो कंप्लीट फ्रंट को कवर करेगा। यानी कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट जो स्क्रीन साइज का बॉडी रेशियो होगा वो काफी ज्यादा होगा। दोस्तों, यहां पर अब मैं अगर बात करता हूं अब इसके प्राइसिंग को लेके, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही है वो $600 आ रही है, यानी कि मे भी हो सकता है कि वो 42,000 के आसपास पड़े। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी इस बार हो सकती है कि मेक इन इंडिया के अंडर हो, यानी कि यहां पर एप्पल को एक बेनिफिट होगा कि यहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो एप्पल को मिलेगी वो काफी लो पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मेक इन इंडिया के अंदर के इनिशिएटिव के अंडर अगर ये फोन मैन्युफैक्चरिंग होता है तो यहां पर इसको एप्पल को यहां पर बेनिफिट मिलेगा और मे बी हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग इंडियन कस्टमर्स को और भी कम पड़े। तो दोस्तों, ये थी एप्पल से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट। होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबाएं। और जिन लोगों को दोस्तों मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं आने वाली वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊं और आपके लिए सही और अच्छे कंटेंट लेके आऊं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।